गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो एंथैल्पी हम समझ रहे हैं कि एंथैल्पी एक्चुअल में क्या है, उसी को लेकर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी देखे। तो आज भी हम एंथैल्पी का एक टाइप देखेंगे जिससे हमें एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी पता चलेगी कि किसी कंपाउंड को तोड़ना है, सॉल्युबलाइज करना है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, तो किस तरह से वो सॉल्युबल होगा, किन किन प्रोसेस से होकर वो गुजरेगा। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लैटिस एंथैल्पी से। देखो केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने लैटिस एंथैल्पी टर्म देखा था। क्या था केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस एंथैल्पी? बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयोनिक पर्टिकुलर आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है, तो उस आयोनिक बॉन्डिंग को तोड़ना, ठीक है, और उस आयोनिक कंपाउंड में से आयन्स को अलग अलग करना, सेपरेट करना। तो इसके लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती थी, जो हीट प्रोवाइड की जाती थी, उसे हम नाम देते थे एंथैल्पी। या फिर आप मान लो आपके पास आयन्स हैं, उन आयन्स को लेकर आप बनाते हो अपनी कोई पर्टिकुलर हीट, आप कोई आयनिक कंपाउंड आप बनाते हो, तो वहाँ पर आपने जो एंथैल्पी यूज़ की उसको आपने लैटिस एंथैल्पी नाम दिया। तो यहाँ हम लैटिस एंथैल्पी से ही आगे चलते हैं। लैटिस एंथैल्पी देखो एक्चुअल में क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड टर्म सभी के साथ चल रहा है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी हीट, ओके, हीट या एनर्जी या एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल आयोनिक कंपाउंड इंटू इट्स गैसियस आयन। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड जो है आप उसको तोड़ोगे और उसके आयन्स को आपको एक्वस सोल्यूशन में नहीं डालना है, सॉल्युबलाइज नहीं करना है, उन्हें सेपरेट करना है, गैसियस फॉर्म में आपको उन्हें लेकर आना है। तो जो हीट आप प्रोवाइड कराओगे आयोनिक कंपाउंड को, उसे आपने नाम दिया लैटिस एंथैल्पी। ओके, लैटिस मीन्स जाल, नेटवर्क, ओके, आयन्स का नेटवर्क आपने ब्रेक किया और उन आयन्स को आपने किस फॉर्म में आपने उनको गेन किया, गैसियस फॉर्म में। ओके, जैसे देखो NaCl था हमारे पास, ओके, आयोनिक कंपाउंड है, हीट दी इसको हमने, Na+ गैसियस आयन, गैसियस समझो, एक्वस यानी एक्वस का मतलब होता है किसी के साथ सॉल्युबलाइज होना, या गैसियस है, किसी में सॉल्युबलाइज नहीं है, तोड़ लिया और अलग से आपको Na+ आयन मिला और Cl- आयन मिला, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये गैसियस फॉर्म है इनकी। तो यहाँ जो एंथैल्पी रिक्वायर्ड थी हमारे पास, उसको हमने लैटिस एंथैल्पी नाम दिया। यहाँ आपने प्रोवाइड की एंथैल्पी, ओके, डिनोट किससे किया आपने, Δh नॉट से, और लैटिस आपने इसके साथ देखा, इट मीन्स कि लैटिस एंथैल्पी को डिनोट कर रहा है। उसके बाद एक और एंथैल्पी देखते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। लैटिस तो आपको पता चला कि आपको नेटवर्क ब्रेक करना है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रा मीन्स वाटर की हमें यहाँ नीड है, ठीक है। जैसे ही आप इन गैसियस आयन्स को पानी में डालोगे, ठीक है, आप इन गैसियस आयन्स को एक्वस सोल्यूशन में पानी में डालते हो, तो ये गैसियस आयन जो है एक्वस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो फिर ये एनर्जी को लिबरेट करते हैं। अभी जो इनके पास एनर्जी थी आपने लैटिस एंथैल्पी के फॉर्म में दी थी, वो इन्होंने अपने पास स्टोर करके रखी है। अब जैसे ही ये एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे, पानी के साथ सॉल्युबलाइज होंगे, बॉन्डिंग करेंगे वाटर के साथ, तो ये उस स्टोर हीट को लिबरेट कर देंगे और इस हीट को अब हम नाम देने वाले हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये चीज़ क्लियर होती है? तो यहाँ हम लिखेंगे हीट लिबरेटेड टू कन्वर्ट वन मोल गैसियस आयन, जो आपने आयन्स लैटिस एंथैल्पी से गेन किए थे, उन गैसियस आयन को कन्वर्ट करोगे इनटू देयर एक्वस आयन। किस में कन्वर्ट किया? एक्वस आयन में। कैसे? देखो NaCl था, पहले आपने हीट दी लैटिस एंथैल्पी, Na+ गैसियस, Cl- गैसियस में कन्वर्ट किया, फिर इन गैसियस आयन को पानी में डाला आपने, तो ये वाटर के साथ बॉन्डेड हो गए और एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गए। रहे ये एक्वस, बट ये एक्वस आयन में कन्वर्ट हो गए, रहेंगे अभी भी ये आयन। देखो जैसे Na+ था, गैसियस था, जैसे ही पानी आया इसके साथ, तो इसने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स को इस तरह से, वाटर मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से घेर लिया और इस फॉर्म में हम इस आयन को अब क्या कहेंगे? एक्वस आयन कहेंगे। ओके, कोई एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं हुई, बट जो सराउंडिंग में इसके चारों तरफ जो है आपको वाटर के मॉलिक्यूल या बाउंडेड फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों हुआ इस तरह का अट्रैक्शन? Na+ था और ये जो आप वाटर देख सकते हो, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो, इन लोन पेयर के थ्रू इन्होंने कैटायन ने इसको अट्रैक्ट किया और इस तरह का कुछ हमें एक्वस आयन देखने को मिलेगा, ठीक है। सही, Cl- में होगा, यहाँ पर नेगेटिव है Cl- पर, तो इसको H2 वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोजन वाला पार्ट वो अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से एक्वस आयन हमें देखने को मिलते हैं। और एक्वस होने के बाद ये जो आयन है इसके पास जो एनर्जी स्टोर थी वो रिलीज कर देगा और उस रिलीज एनर्जी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी नाम देते हैं। डिनोट कैसे कर रहे हैं आप देख लो उसको, ओके। अब बात आती है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की, कोई कंपाउंड कैसे सॉल्युबलाइज होगा, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी के अमाउंट पर, किसका अमाउंट ज़्यादा है। क्या आपने आयन को ब्रेक करने के लिए, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी दी उसका अमाउंट ज़्यादा है, या
उस आयनिक कंपाउंड के जो गैसियस आयंस थे उनके एक्वस आयन में कन्वर्ट होने के बाद जो हीट लिब्रेट हुई उसका अमाउंट ज़्यादा था। ठीक है, डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कब हमारी ज़्यादा होगी। तो देखो, अगर आपने किसी पर्टिकुलर लैटिस को ब्रेक करने के लिए, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आपने एनर्जी दी, ठीक है, एंथैल्पी दी, तो उसका अमाउंट हायर, मान लो उसका अमाउंट ज़्यादा था, और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी उनके एक्वस आयन में कन्वर्ट होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई उसका अमाउंट कम था। ध्यान से सुनो, जो हमने जो एनर्जी प्रोवाइड करी उसका अमाउंट ज़्यादा था, और एक्वस आयन में कन्वर्ट होने के बाद आयंस ने जो एनर्जी हमें दी उसका अमाउंट कम था। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी सारी एंथैल्पी कहाँ खर्च हो गई, आयंस को तोड़ने में ही खर्च हो गई, उन्हें गैसियस आयन में कन्वर्ट करने में ही खर्च हो गई, तो एक्वस आयन में कन्वर्ट वो कम हो पाए। ठीक है, इट मीन्स उनकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर लैटिस एंथैल्पी, आपने थोड़ी सी एंथैल्पी दी, आपका आयंस के बॉन्ड ब्रेक हो गए, वो गैसियस आयन में कन्वर्ट हुए, ओके, और वो फौरन ही क्या करेंगे, एक्वस आयन में कन्वर्ट होंगे और लॉट्स ऑफ हीट लिब्रेट करेंगे, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि मान लो हाइड्रेशन एंथैल्पी का अमाउंट हायर है एज़ कम्पेयर टू लैटिस एंथैल्पी, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी यानी सॉल्युबिलिटी, इट मीन्स के सॉल्युबलाइज होने के बाद उसने लॉट्स ऑफ हीट लिब्रेट किया, यानी वहाँ हमारी सॉल्युबिलिटी हमें हायर देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हम सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि लैटिस एंथैल्पी का अमाउंट हायर, इट मींस के आपकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और दूसरा इसके जस्ट अपोजिट है कि अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिलीज कर रहा है पर्टिकुलर आयन, ओके, एक्वस आयन में कन्वर्ट होने के लिए, तो वह हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमें इंक्रीज देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम एंथैल्पी के दो टाइप लेकर चलते हैं और उनके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड सॉल्युबलाइज होगा, ओके? अब बात आती है लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने की। तो देखो, लैटिस एंथैल्पी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इन सारे टर्म से आपको गुजरना होगा। पर्टिकुलर जो एंथैल्पीज आप देख कर आए हो, जैसे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन है आपकी, ओके, हीट ऑफ फ्यूजन है, बहुत सारी एंथैल्पीज हैं जो आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेंगी जब आप बात करोगे लैटिस एंथैल्पी की। तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी की कैलकुलेशन की। तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन कभी भी डायरेक्टली हम नहीं कर सकते कि हमें एक आयनिक कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि इसको इसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करो और लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन करो। तो वहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को, सॉलिड आयनिक कंपाउंड आपके पास होगा, उसे गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस सॉलिड कंपाउंड को सबसे पहले गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट करना होगा, सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, आपको सब्लिमेशन एंथैल्पी देनी होगी, फिर उसके बाद उन गैसियस आयंस, उन गैसियस एटम्स को आपको आयनाइज करना होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी होगी, ठीक है, उसे कैटायन में कन्वर्ट करना होगा, उसका एनायनिक पार्ट होगा, उसे एनायन में कन्वर्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नीड वहाँ होगी। तो डिफरेंट एंथैल्पीज हमें चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड उसके पर्टिकुलर गैसियस आयन में, बहुत से स्टेप्स से होकर गुजरता है। तो उन्हीं स्टेप्स के साथ हमें अलग अलग एंथैल्पीज मिलती हैं, तो उनका कैलकुलेशन करके फिर हम डायरेक्टली पहुंचते हैं लैटिस एंथैल्पी पर। तो उसके लिए देखो, एक साइकिल है जिसे बॉर्न-हेबर साइकिल कहते हैं, ठीक है, ये साइकिल हमें बताता है एक्चुअल में डिफरेंट स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर लैटिस के उसके आयन्स गैसियस आयन में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ बात करते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल की। इट इज़ अ मैथड टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी बाय कंपेयरिंग डिफरेंट एंथैल्पीज, ओके, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये एक मैथड है, बॉर्न-हेबर साइकिल एक अप्रोच है टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। किस तरह से, बाय कंपेयरिंग डिफरेंट एंथैल्पीज, अलग अलग एंथैल्पीज को कंपेयर करते हुए फिर आप लैटिस एंथैल्पी पर पहुँचते हो। जैसे कि NaCl के लिए बॉर्न-हेबर साइकिल ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले देखो, NaCl सॉलिड था, लैटिस एंथैल्पी हम जनरली यही पढ़ते हैं कि उसे गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है, लैटिस एंथैल्पी आपने दी, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट चेंज हो गया, बट एक्चुअल में हम देखें तो इनडायरेक्टली इस तरह से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले आप इस सॉलिड NaCl को गैसियस NaCl में कन्वर्ट करोगे बाय प्रोवाइडिंग सब्लिमेशन एंथैल्पी, ओके, डायरेक्ट सॉलिड को गैसियस आयन में कैसे कन्वर्ट करोगे, सबसे पहले सॉलिड कंपाउंड को गैसियस कंपाउंड में कन्वर्ट किया, ओके, अब उसके बाद आप एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दे दो इसको, आपने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ये चीज़ देखो, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप दोगे, एटम जिसके अलग अलग निकालोगे आप, ठीक है, किस तरह डिनोट करते हैं एटोमाइजेशन एंथैल्पी को, इस तरह से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आपने दी, इसे एटम्स में कन्वर्ट किया, Na सॉलिड, सॉरी गैसियस है ना, कंपाउंड गैसियस हो गया था, प्लस क्लोरीन,
गैसियस, ओके, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट हो गए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देने पर, बट अब इन गैसियस आयन में कन्वर्ट करना है आपको। तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले देखो, ये आपके पास सोडियम है, ओके, कैटायन में कन्वर्ट होगा, ओके, इसके लिए आपको इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी होगी। यहाँ आपने इसको कौन सी एंथैल्पी दी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपने प्रोवाइड की, और ये Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस था गैसियस ही रहेगा, समझ में आ रही है चीज़। और क्लोरीन है, इसने क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसने ली, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, और ये कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में और गैसियस फॉर्म में था, ये चीज़ समझ में आती है। इस तरह से इनडायरेक्टली कन्वर्जन होता है, जबकि लैटिस एंथैल्पी में भी हमने यही पढ़ा था कि हमारा सॉलिड आयनिक कंपाउंड जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस आयन में, हो गया गैसियस आयन में। बट स्टेप्स देखो, इतने स्टेप्स में इन्वॉल्व हुए। तो इस तरह से इस साइकिल को हम नाम देते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल, और इसके थ्रू हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं लैटिस एंथैल्पी का, ओके। आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए लिख सकते हो, हमने NaCl का एग्जांपल लिया, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, कोई सा भी आयनिक कंपाउंड आप एग्जांपल ले सकते हो, और इस तरह से बॉर्न-हैबर साइकिल हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ तो हमारी एंथैल्पीज जो हैं, डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज हमारी आज फिनिश होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ी, हमने एंथैल्पी से स्टार्ट किया, डिफरेंट एंथैल्पीज हमने देख ली, ठीक है। कौन कौन सी एंथैल्पीज देख चुके हैं हम, सबसे पहले सब्लिमेशन एंथैल्पी देखी, ओके, हीट ऑफ वेपराइजेशन देखा, हीट ऑफ फ्यूजन हमने देखा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एंथैल्पी देखा हमने, ओके, फिर लैटिस एंथैल्पी की बात हमने की, बॉन्ड एंथैल्पी की बात हमने की, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो डिफरेंट टाइप की एंथैल्पीज की हमने बात की। सभी के साथ ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही सबको मेजर किया जाता है, ओके। तो यहाँ हमारी एंथैल्पीज फिनिश होती हैं। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ओके, थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ हमसे क्या कहता है। सेकेंड लो देखो, फर्स्ट लो की जो भी यहाँ पर लिमिटेशंस थी वो पहले डिस्कस करेंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, फिर उन्हीं से हम सेकेंड लो देखेंगे कि उन लिमिटेशंस को सेकेंड लो किस तरह से प्रूव करता है, ओके। तक आप इसे नोट डाउन करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।